सो हेलो गाइस, तो कैसा है, अच्छा हो गया। और मैं आ चुका हूँ कात्रो, और आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन। तो आज चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन में मैं कुमारी माता के घर आ चुका हूँ। तो आप लोग को वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ दिखाऊंगा, और यहाँ पे कितने भक्त लोग दर्शन करने आए हैं वो उसको भी दिखाऊंगा। तो चलो आप लोग वीडियो में बने रहे, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं वीडियो के बाद। तो हे गाइस, तो देख सकते हो यहाँ पे पार्किंग के लिए जो फ्री पार्किंग है, जो कि यहाँ पे बड़े बड़े गाड़ी जो आएंगे वहाँ पे खड़ा हो सकते हैं। और यहाँ पे पेशाब टॉयलेट करने के लिए व्यवस्था भी रखा गया है, और कुछ ही समय में यहाँ पे मतलब बताया अनुसार पे यहाँ पे वॉशरूम करने के लिए व्यवस्था रखा गया है। और चलो आगे के, और जैसे कि बड़ा बड़े जैसे कि यहाँ पे गाड़ी आगे खड़े हो जाते हैं, तो ये गाड़ी को वहाँ पे रखा जाएगा। और यहाँ पे पानी पीने का और हाँ मुंह धोने का व्यवस्था रखा गया है। तो चलो आप लोग को कुमारी माता के घर साइड, और चलो मिलते हैं। तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गाड़ी रखा गया है, मतलब यहाँ पे बहुत ही भक्त लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। तो चलो आप लोग को अंदर जाते हुए दिखाएंगे और बहुत कुछ दिखाएंगे, तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें। तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पे कुमारी माता का जो है दो दुकान लग चुका है। जैसे कि यहाँ पे नारियल का दुकान लगा है, एक स्टॉल यहाँ पे लगा है, एक स्टॉल वहाँ पे लगा है, जो कि आप लोग को नारियल का प्राइस और चुनरी का प्राइस पूछते हैं। दादा एक कितना कितना वाला रेट के नारियल और कितना कितना रेट के चुनरी है, और कितना कितना प्राइस के सामान है भाई? तो चलो अभी मतलब इसको यहाँ पे स्टॉल लगा है, आप लोग को इतना जानकारी देते हैं, जो कि प्राइस हर कोई को नहीं बताया जाता, और कोई जगह कोई दुकान में बताते हैं, कोई दुकान में नहीं बताते। तो आप लोग आइए और सभी भक्त दर्शन कीजिए, और आप लोग को माता रानी का आशीर्वाद रहेगा। तो चलो अंदर की ओर हम दिखाते हैं। तो गाइस हम अंदर जाते के और देख सकते हो यहाँ पे कितना भक्त आ चुके हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और देख सकते हो यहाँ पे सेवा मंडली भी आ चुके हैं गाइस। तो आप लोग को दिखाते हुए और देख सकते हो यहाँ पे माता रानी विराजमान, और यहाँ पे सेवा भक्ति चल रहा है। आप सभी देख सकते हो अभी भी माता रानी फल खीरा के पलंग में विराजमान है, और जो अभी भी जल रही है, और 9 दिन तक ऐसी जलता रहेंगे, और माता रानी भी विराजमान होगी। और यहाँ पे सेवादार पार्टी सेवा कर रहे हैं, और दूर दूर से दर्शन करने के लिए आए हैं यहाँ पर, देख सकते हो। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे सेवादार पार्टी आ चुके हैं, और एक पार्टी आते अभी आया है, सेवा चल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो माता रानी अभी भी पालकी में विराजमान है, और जोध भी है, बहुत अच्छा चल रहा है। और यहाँ पे अभी सभी भक्त लोग आए हैं देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, दूर दराज से जगह से आए हैं। देख सकते हो यहाँ पे, और माता रानी का मंदिर देख सकते हो आप लोग, पूरा जैसे कि पूरा यहाँ पे पूरा माता देवी देवता सभी यहाँ पे विराजमान है, और देख सकते हो यहाँ पे। गाने से दिक्कत तो नहीं है? छोटी महारानिया के पतल का मारिया कालिया पे तुम्हारे बंदे Thank you.
गाइस तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कांटा पे जो झूला है जो कि इसमें माता जी झूला झूलती है पंचमी के दिन। और यहाँ पे देख सकते हो कांटा का झूला पे अच्छे तरीके से डेकोरेशन किया है और माता रानी इसमें झूला झूलती है विसर्जन के टाइम में भी और पंचमी के टाइम में भी। और माता रानी का कृपा बना है इसी कारण हम इतना आगे आते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे इतना इतना आगे और माता रानी का फोटो भी देख सकते हो आप लोग। माता रानी का आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक करना, फॉलो करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और नए हो तो बेल आइकन दबाना ना भूलना। और ऐसी नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय सीताराम। 3, 2, 1, go!